Hello students, in today's class we are going to calculate degree of freedom of this given mechanism. So, sabse pehle degree of freedom find out karne ke liye humare paas formula hai. Degree of freedom is equal to 3 into L minus 1 minus 2J minus H, where L is number of links, J is number of binary joints and H is number of higher pairs. So, sabse pehle hum calculate karenge ki kitne number of links hain, kitne binary joints hain aur kitne higher pairs hain. So, sabse pehle numbering karte hain, numbering hamesha फिक्स्ड लिंक से स्टार्ट करते हैं. तो फिक्स्ड लिंक देखिए, फिक्स्ड लिंक नंबर्ड एज नंबर वन. इन सारे फिक्स्ड लिंक्स को हम नंबर वन से डिनोट करेंगे. उसके बाद दिस इज लिंक नंबर टू, दिस इज लिंक नंबर थ्री. दिस हैच्ड पोर्शन इज अ सिंगल लिंक, दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी लिंक, क्योंकि यहाँ पे तीन नोड हैं एक लिंक के. सो दिस इज फोर्थ लिंक, दिस इज फिफ्थ लिंक एंड दिस इज सिक्स्थ लिंक. This one is 7th and this one is 8th. So total number of links we have is 8. Then we will find out number of binary joints. So between 1 and 2, 1 binary joint. Between 1 and 3, 1 binary joint. Between 1 and 6, 1 binary joint. अब ध्यान से देखना है, 4 और 5 दो links हैं. तो दो links के बीच जो ज्वाइंट होगा उसे हम बाइनरी ज्वाइंट बोलेंगे. तो 4 और 5 के बीच एक बाइनरी ज्वाइंट, वैसे ही 5 और 6 के बीच भी एक बाइनरी ज्वाइंट, क्योंकि ये एक लिंक है और ये एक लिंक है. 2 और 4 के बीच एक बाइनरी ज्वाइंट, 3 और 5 के बीच एक बाइनरी ज्वाइंट, 6 और 7 के बीच एक बाइनरी ज्वाइंट, और 8 और 4 के बीच एक बाइनरी ज्वाइंट, एंड 8 और 7 के बीच एक बाइनरी ज्वाइंट. तो टोटल बाइनरी ज्वाइंट हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स इज 10. नंबर ऑफ हायर पेयर्स, यहां पे किसी भी दो लिंक के बीच में लाइन कॉन्टेक्ट या पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, यानी यहां पे हायर पेयर 0 है. इस केस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 into L minus 1, that is 8 minus 1 minus 2 into J, that is 10 minus 0 is number of higher pairs. 7 into 3 21 minus 2 into 10 20. So here we are getting degree of freedom as 1. इस केस में एक इनपुट मोशन सफिशियंट रहेगा कंस्ट्रेंट मोशन प्राप्त करने के लिए. So here in this question, we are getting degree of freedom as 1. So that's all for today's class. Thank you.